स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये होमवर्क दिया था कि ये जो हमारा काउंटर है वो 30 के बाद भी माइनस में काउंटिंग करता जा रहा है, तो वो रुक जाना चाहिए। वो हम किस तरीके से रोकेंगे ये आपको मुझे बताना था। तो चलिए, अगर आपने ये काम नहीं किया है तो मैं ही आपके लिए ये काम करके दे देता हूँ, बिल्कुल आसान था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गेम मैनेजर है उसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर एक बुलियन लेंगे। आप चाहे तो पब्लिक इसे फिलहाल ले सकते हैं, कैन टाइमर स्टार्ट। ये जो हमारा बुलियन है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके हम ये जो हमारा काउंटर है उसे हम स्टॉप करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कैन टाइमर स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर हम एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं स्टार्ट टाइमर। यहाँ पर एक हम पब्लिक फंक्शन कॉल करवा रहे हैं स्टार्ट टाइमर करके। अब दोस्तों ये जो सब कुछ हमने यहाँ पे डाल के रखा था वो सब कुछ हम यहाँ से काट के इसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ कैन टाइमर स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि टाइमर चालू रहना चाहिए। ये यहां पर हमने ट्रू करवा दिया, ट्रू होगा तो ही ये सारी जो लाइन है वो इफेक्टिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक कंडीशन हम डाल देते हैं, इफ एक कंडीशन यहां पर हम चेक करवा लेते हैं, इफ टाइमर सेकंड्स लेस देन और इक्वल टू जीरो कैन टाइमर स्टार्ट इज इक्वल टू फॉल्स। इसको यहां से काट के मैं इसके बाहर लगा देता हूं यहां पर। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये लाइन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो इसे यहां पर हम सेव कर लेते हैं और इसे एक बार हम यहां पर प्ले करके भी देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों 30 सेकंड जैसे ही चले जाएंगे, मैं इसे स्किप कर देता हूं। ये देखिए यहां जीरो पर आकर ये रुक गया है। अगर ये रुक गया है, पक्का हमें करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे यहां पर एक चेक भी करवा सकते हैं। इस तरीके से हम चेक करवाएंगे यहां पर डीबग डॉट लॉग, और यहां पर हम लिखेंगे टाइम आउट। अब ये एक सेकंड में एक बार प्रिंट होता रहेगा, लेकिन हमें पता चलेगा कि टाइम आउट हो गया है। चलिए मैं फिर से एक बार इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूं। तो अब ये देखिए कंसोल में ये प्रिंट हो रहा है बार बार टाइम आउट करके। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो कोड लिखा था वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटा रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ये पार्टिकल जो सिस्टम है, ये वाली ये जो पार्टिकल सिस्टम है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। चलिए मैं इसे प्ले करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही है, उसकी भी एक वजह है। चलिए मैं इसे सेट कर देता हूं आपके लिए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम यहां पर दो कैनवास लेने वाले हैं। तो ये जो पहला कैनवास हमने लिया था गेम कैनवास, इसके अंदर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्क्रीन स्पेस कैमरा कर देना है, और उसके बाद में यहां पर आपको मेन कैमरा उठा कैसे डाल देना है। तो चलिए इसे मैं एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूं। तो ये देखिए यहां पर आपको पार्टिकल अब दिखाई देना शुरू हो गए होंगे। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों कि ये जो पार्टिकल है वो यहीं के यहीं पर स्प्रेड आउट हो रहे हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए, इसके साथ साथ यहां तक आ जाने चाहिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम ये भी कर लेते हैं। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे एक टाइमर होल्डर करके रेक ट्रांसफॉर्म लिया था, सिंपली उसको यहां पे आपको लिखना है टाइमर होल्डर डॉट रोटेशन इज इक्वल टू कोटनियन डॉट इलर और 0f0f
और यहां पर आपको करना है प्रोग्रेस इनटू 360 डिग्री, क्योंकि हमें उसे 360 डिग्री घुमाना है। तो अब होगा क्या, इस लाइन की वजह से यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो पार्टिकल होल्डर है ये वाला रेक्टेंगल वो घूमेगा, और वो घूमेगा तो साथ साथ ये पार्टिकल भी घूमेंगे। तो चलिए अब इसे हम वापस प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ब्यूटीफुल पार्टिकल इफेक्ट आपको दिखाई दे रही होगी, और इसकी स्पीड मुझे कुछ ज्यादा लग रही है तो मैं इसको कम भी कर सकता हूं। अगर पार्टिकल मुझे छोटे लग रहे हैं तो मैं पार्टिकल बढ़ा भी सकता हूं। तो ये सब कुछ आप अपने हिसाब से यहां पर सेट कर सकते हो। अब दोस्तों एक काम और करना है, जैसे ही ये यहां पे जीरो हो जाए तो पार्टिकल चालू रहेंगे लेकिन हमारी जो ये काउंटिंग है वो खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो पार्टिकल है वो भी स्टॉप हो जाने चाहिए। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पार्टिकल स्टार्ट करवाए थे यहां से, ये देखिए टाइमर पार्टिकल स्टार्ट करवाए थे, तो यहां पर इसको हम स्टॉप करवा देते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों के ये जो पार्टिकल सिस्टम है ये अपने आप बंद हो जाएगी जब यहां पर वापस, जब यहां पर जीरो हो जाएगा। ये देखिए ये पार्टिकल भी यहां पर बंद हो गए और काउंटर भी हमारा बंद हो गया है। तो था ना बिल्कुल आसान दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि सर ये गेम बनाइए, सर वो गेम बनाइए। मैं डेफिनेटली बहुत सारी गेम बनाना चाहता हूँ, 40 गेम तो मैं आपको कमिट कर ही चुका हूँ कि मैं 40 गेम आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा खुद का थोड़ा काम रहता है, जब उसके अंदर से मैं फ्री होता हूँ तब जाके मैं आपके लिए टाइम निकाल पाता हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो जितना जल्दी आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करवाएंगे उतना ही जल्दी और जल्दी मैं वापस आपको आके मिलता रहूँगा और उतने ही ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।